आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि त का आंकड़ा यानी त के संक्षिप्त रूप को वक्र रेखाओं में कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्र रेखाओं जैसे त वर्ग, र नीचे वाला, ल दोनों प्रकार के, ल ऊपर वाला और ल नीचे वाला, सा म एवं ना में त का आंकड़ा लगाते हुए एक डैश लगा देते हैं जिससे त का अर्थ निकलता है। जैसे तत् में त का आंकड़ा लगाते हुए एक डैश लगा देते हैं। त वर्ग के अन्य अक्षर जैसे था, द एवं धा में भी त का आंकड़ा लगाया जाता है। अब र ऊपर वाला, इधर नीचे वाला, रा त ये हो गया रत, मत मत के लिए माँ में तवा आंकड़ा लगाते हुए डैश निकाल देते हैं। लत ला में इस प्रकार बनाते हैं और सत सा में ता का आंकड़ा बनाते हुए डैश निकाल देते हैं वक्र रेखाओं में। नत ये हो जाएगा नत। इस प्रकार हम वक्र रेखाओं में त का आंकड़ा लगाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टेनोग्राफी की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।